नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की जनता दरबार की शुरुआत आज 5 सालों के बाद हुई, और वो भी हुई तो बिल्कुल धमाकेदार, क्योंकि आज के जनता दरबार में तरह तरह के शिकायतों का पिटारा उठाए फरियादियों का हुजूम जुट सा पड़ा था। और इतना ही नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी फरियादी मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए। इस दौरान विभिन्न जिलों से अनोखी अनोखी शिकायतें लेकर पुरुष और महिला फरियादी पहुंचे थे, जिनके दुश्वारियों को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुन रहे थे। मगर इस बीच एक युवती अपनी शिकायतों को कहने के क्रम में फूट फूट कर रो पड़ी। वह युवती स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को बनवा देने की गुहार लगा रही थी। मामला समझने के लिए आप पहले यह वीडियो देखें। लेकिन अब देख लीजिए भाई, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये 2 महीना ली है और आगे पढ़ रही है। प्लीज सर, उसको वापस कर देंगे सर, बेरोजगारी भत्ता का पैसा सर, पैसा वापस कर देंगे सर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पास करवा देंगे। नहीं, इसके लिए नियम करवाना पड़ेगा पहले से। पढ़ना चाहते हैं सर, शिक्षा अरे देख लीजिए, एक लड़की आई है, ये कभी बेरोजगारी भत्ता 2 महीना ले, इसको पता नहीं था, कह रही हालांकि क्लियरिटी थी कि आगे नहीं पढ़ना उसी को मिलता, तो ये आगे फिर पढ़ रही, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चाहता है। करना पड़ेगा कि मुझे कुछ में लिया थी, कह रही कि हम 2 ही महीना लिए थे और बाद में इसको एडमिशन, जिसको पता नहीं, हालांकि बहुत क्लैरिटी के साथ सब प्रचारित है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, अगर इसमें हो जाए कि भाई लौटा करके, तो फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला देखो, ठीक भेज रहे हैं। दरअसल मामला यह था कि गया जिले की रहने वाली युवती ने हाल में ही गया के बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, मगर घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण उसे शुल्क भरने में परेशानी आ रही थी, जिस वजह से उसने बिहार सरकार द्वारा दिए जाने वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो बन नहीं पा रहा था। इस बारे में जब युवती से सीएम ने पूछताछ की तो पता चला कि युवती ने पढ़ाई के बीच में ही गैप लिया था और इस दौरान उसने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता बेरोजगारी भत्ता का लाभ उठाया था। नियम के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता का लाभ उठाने वाले छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं उठा सकते हैं, इसलिए युवती का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा था। पूछताछ में युवती ने बताया कि उसके जानकारी नहीं थी कि बेरोजगारी भत्ता लेने के बाद पढ़ाई के लिए सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। युवती ने बताया कि उसने 2 महीने ही बेरोजगारी भत्ता का लाभ उठाया था, उसके बाद भत्ता नहीं लिया, जानकारी होने पर ऐसी गलती नहीं करती, ऐसा बोलते ही युवती फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल शिक्षा विभाग के अधिकारी को फोन लगाया और उस युवती को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को देने का आदेश भी दे दिया। आपको बताते चले कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और बेरोजगारी भत्ता दोनों ही मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना का भाग है, मगर जो छात्र छात्रा बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले लेते हैं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की तरफ से 4 लाख का लोन पढ़ाई के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे में आज के जनता दरबार में युवती के द्वारा भत्ता लेने के बावजूद भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाकर सीएम नीतीश कुमार ने उसकी शिकायतों को तो दूर कर दिया, लेकिन देखना यह होगा कि क्या आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार को अनवरत चलाने के साथ ही जनता के शिकवा गिले को किस हद तक दूर कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।